Hello everyone. Welcome back to another video on Eritech Academy and welcome back to our PYQ series. So today we are going to take the new theme, new areas which has been introduced by UPSC in civil services examination. So yes, UPSC has started playing with sports questions, but are we ready? Have you done your warm-up? So you warm up hogakase with the help of those sports questions which UPSC is asking in various other exams. Right? Now you must have analyzed.

they are trying to test your genuine interest or the popular events, are popular so here we have a question which was asked by upc1 in one of the exams which was asked, which was conducted by upc in 2023. so the question is, consider the following statements. and two statements have been given. the first statement is talking about england is the only country that won the icc t20 world cup twice. so is it true?

ट्रैक रिकॉर्ड्स और ये सारी चीज अगर फॉलो नहीं करते हो तो फिर गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा हैं राइट right? तो इसके लिए एक फैक्ट लिस्ट हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्रिकेट में किस किस ईयर में हमारा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हुआ है अब हर ईयर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है वन थिंग वी शुड नो दैट इट वॉज स्टार्टेड इन दर टू थाउजेंड एंड इन टू थाउजेंड सेवन इंडिया वॉज दिनर सो इंडिया इज द विनर ऑफ टी वर्ल्ड कप द ओनली टाइम इज द फर्स्ट

इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया सो पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका ये जो हमारे सार कंट्रीज हैं श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका दे आर वन टाइम विनर ऑस्ट्रेलिया इज वन टाइम विनर बट इफ वी टॉक अबाउट वेस्ट इंडीज एंड इफ वी टॉक अबाउट इंग्लैंड दे है उनके पास दो दो बार ये टाइटल गया है ठीक है सो दिस इज वन फैक्ट विच वी शुक न

बाकी लोग का नाम एक ही बार है टॉप रन स्कोरर भी मतलब विराट कोहली हैज बीन वन टाइम विराट कोहली हैज बीन सेकंड टाइम बाकी बाबर आजम और किसी का नाम जो है दो बार नहीं है। तो टॉप रन स्कोरर भी टू टाइम्स विराट कोहली हाईएस्ट विकेट टेकर विकेट टेकर उमर गिल टू टाइम्स ठीक है बाकी किसी का नाम दो बार नहीं आता है वेन्यू छोड़ दो वेन्यू से हमें मतलब नहीं है तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए अभी इस बार विराट कोहली के ऊपर एक रेस्पेक्ट में क्वेश्चन हुआ टॉप स्कोर के रेस्पेक्ट में हो सकता है एंड हाइस्ट विकेट टेकर के रेस्पेक्ट में हो सकता है इंडिया से रिलेटेड था इसलिए विराट कोहली का भी क्वेश्चन पूछा गया सो दिस वे इफ वी एनालाइज द क्वेश्चन रिलेटेड टू टी द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप वी शुड नो अदर थिंग्स फॉर एग्जाम्पल वॉट एल्स वी शुड नो दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज राइट आफ्टर योर फिल्म सी एस सी प्रलियम्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप विल स्टार्ट एंड टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप इज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट जून ट्वेंटी ट्वेंटी फोर होस्ट कंट्री यूएसए एंड वेस्ट इंडीज यूएसए में यूएसए में क्यों बिकॉज इट विल बी फर्स्ट आई सी सी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट टू फ्यूचर मैचेज प्लेड इन यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड स्टेट्स में पहली बार ये हो रहा है ठीक है और इस पर कुछ नई टीम्स भी आई हैं नई टीम्स को भी एड किया गया है ठीक है और 20 टीम्स फॉर द फर्स्ट टाइम आर देयर इन दिस मैच 16 2022 में थे सो so ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए एंड व्हाई दिस इज स्पेशल इट विल बी द फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट टू फीचर नॉट ओनली प्लेड मैचेस व्हिच विल बी प्लेड इन यूएसए बट आल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम यूएसए और कनाडा की जो टीम है वो पार्टिसिपेट करेगी यूएसए और कनाडा का ही फर्स्ट मैच होने वाला है सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम यूएसए एस 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 टीम इज गोइंग टू एंटर इन टू वर्ल्ड कप चैंपियनशिप और क्रिकेट के में ठीक है सो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें जो होने वाली हैं, इसलिए ये का मोर इम्पोर्टेंट अभी आपको कुछ और क्रिकेट से रिलेटेड डेवलपमेंट पता होना चाहिए टी में वी होस्टेड वर्ल्ड कप एंड देर वर मेनी राइजिंग स्टार्स चाहे वो शुभम गिल Uh, आप uh, शमी को ले लो और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिनके ज, ज, जिनके स्टोरी वी हैव सीन दे हैव इंस्पायर्ड अस थ्रू देयर गेम सो वी शुड नो अबाउट देम देयर अचीवमेंट्स विराट कोहली का जो उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया सो so ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ये तो मेन स्ट्रीम की बात हो गई वर्ल्ड कप वुमेन वर्ल्ड कप इज ऑल्सो मेन स्ट्रीम बट वो ऑफन इग्नोर होता है उतना पॉपुलर आजकल बहुत पॉपुलर हो गया बट स्टिल मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन को हम ज्यादा फॉलो नहीं कर पाते हैं सो वी शुड नो अबाउट दैट फॉर एक्साम्पल्स वर्ल्ड कप इन ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है ये टी uh, ट्वेंटी की बात हो रही है सो दिस अबाउट वर्ल्ड कप एंड दिस इज टी ट्वेंटी इफ वी टॉक अबाउट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलियालियन टीम हैज बिन विनर फॉर सिक्स टाइम्स देर दे गॉट दिस टाइटल फॉर दिक्स टाइम्स हाइएस्ट एवर तो ये हमें कुछ पता होना चाहिए सो दिस वे वी विल भी कमिंग अप विद डिफरेंट स्पोर्ट्स क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे अलग अलग स्पोर्ट्स जो यू पी एस सी पूछ रहा है एंड दी अवार्ड्स विच वी शुड नो सो दिस वे स्लोली ग्रेजुअली वी विल बी एबल टू कवर दिस न्यू एरिया एज वेल विच हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड बाई यू पी एस सी सो वी विल डू आवर वॉम अप बिफोर एंटरिंग द एग्जामिशन हॉल वी वी शुड नॉट बी ब्लैंक विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड डेवलप कर लेना है अगर एप्टीट्यूड स्पोर्ट्स के प्रति ना डेवलप हो पाए तो एटलीस्ट क्वेश्चंस के थ्रू क्वेश्चंस के प्रति एग्जाम के प्रति डेवलप किया जाए ठीक है सो वी विल डू इट इफ यू हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन एनी अचीवमेंट और एनी थिंग विच यू थिंक कैन बी हेल्पफुल फॉर दी क्रिकेट एज ए स्पोर्ट्स विच कैन बी आज इन एग्जाम देन डू यूज द कॉमेंट सेक्शन टू ड्रॉप योर मैसेजेस ओके इफ यू सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज इंग्लैंड

सेप्शन है जहां भी ओनली वर्ड आया गलत है नो no, ऐसे कॉमन अप्रोच मत रखो यहाँ पे ओनली गलत है बट यहाँ पे ओनली सही है सो वी शुड नो द फैक्ट्स एज वेल वी शुड नो द कॉन्सेप्ट एज वेल देन ओनली वी शुड डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट ओके सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन अब इज आर करेक्ट सो ओनली टू इज करेक्ट राइट सो दिस वे एज आई हैव टोल्ड अर्लियर ऑल्सो वी आर टेकिंग देल्प ऑफ द प्रीवियसियर क्वेश्चन conducted by UPSC in various exams and in UPSC civil services prelims as well. We are trying to understand the UPSC's psyche, the mindset, the topics, the themes and we are framing the questions of same difficulty level and we have introduced our POIQ based prelims test series. The test series is really coming out very, very good. So you can check the quality, you can check the schedule and uh, it will be. वेरी गुड फॉर यू इन दी कमिंग थ्री मंथस फेबररी मार्च अप्रिल एंड मे थ्री क्या चार महीने आपके मे में रिविजन ही होगा बट थ्री मंथस स्पेशली यू कैन डेडिकेट टू दिस टेस्ट सीरीज मे यू कैन रिवाइज सो इन दिस टेस्ट सीरीज वी आर कंडक्टिंग द टेस्ट वेयर करंट अफेयर क्वेश्चन विल बी देर पी वाई क्यू बेस्ड क्वेश्चन विल बी देयर सो हेयर द क्वेश्चन विल बी ऑफ इंटरमीडिएट टू डिफिकल्टी लेवल बिकॉज वी आर आस्किंग दी सेम डिफिकल्टी लेवल सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच यूपीएससी इज फोकसिंग दीज डेज Okay. So this way we are different from the conventional test series. We will make you revise whatever we will learn in the 37 test. We will make you revise through revision classes. So do have a look at this test series, and if you are struggling with the current affairs for your prelims, then we have solution for that. We are running our current affairs course for prelims, which in the past has definitely rewarded us very well. You can check the video on YouTube as well that how 28 plus questions came in prelims 2023 from our current affairs classes right so the video the details uh, everything is provided in the description box you can make use of it till then revise very well make use of these videos and cover different topics themes see you all take care bye bye